हेलो दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज का टॉपिक है वो ये, मैंने पिछले दिनों में एक अखबार में आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि हम अपनी समस्याओं का हल क्यों नहीं कर पाते। सो दोस्तों, मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क किया और यही सोचा कि आपके साथ ये शेयर किया जाए। तो हम अपनी समस्याओं का हल इसलिए नहीं कर पाते कि हम अपनी समस्याओं का हल अपने से छोटे लेवल वाले बंदे के पास जाते हैं। अपने वैसे छोटे लेवल के कैसे, जैसे कोई बच्चा कोई बीएससी कर रहा है, कोई एमएससी कर रहा है, उसने ये उसका एग्ज़ाम आ गया है, तो वो कहाँ जाएगा? वो कहीं ना कहीं किसी उस किनारे पर बैठे ज्योतिषी के पास जाएगा और ज्योतिषी से पूछेगा कि मेरा फ्यूचर क्या है। जिस ज्योतिषी को अपने फ्यूचर नहीं पता, वो बच्चे का फ्यूचर, एमएससी वाले बच्चे का फ्यूचर कैसे बता सकता है? इसी तरीके से जो गाँव में डेरे बने होते हैं, कोई अनपढ़ बाबे वहाँ बैठे होते हैं, जो खुद अपनी गृहस्थी से भागे होते हैं, उनके पास जाके हम अपनी समस्या का हल ढूंढते हैं। दोस्तों, कई बच्चे माँ बाप की इच्छा के अनुसार काम नहीं करते और माँ बाप की इच्छा के अनुसार काम ना करने की वजह से माँ बाप चिंतित हो जाते हैं और चिंतित होने की वजह से वो सलाह लेते हैं। सलाह किसकी लेते हैं? अपने जानकार की, अपने मामा जी के लड़के की ले ली, अपनी बुआ जी के लड़के की ले ली, अपनी मौसी जी के लड़के की ले ली। लेकिन जब के ये समस्या है, समस्या जो है साइकोलॉजिकली है, मतलब बच्चे को साइकोलॉजिकली हमने ठीक करना है भी बच्चा क्यों नहीं, उसकी परफॉर्मेंस ठीक हो रही, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके बच्चे को, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और हम जाके किससे बात करें जिसको साइकोलॉजी के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं। सो इसीलिए हमारी जो समस्या हल नहीं होती। दोस्तों, मैंने किताब डेयर टू फेल पढ़ी है जिसको बिली लिम ने लिखा है। बिली लिम ने इस किताब में ये लिखा है कि जिस लेवल पर आपकी समस्या उत्पन्न हो जाती है उस लेवल पर आपकी समस्या आपसे हल नहीं हो सकती। मतलब यदि आपका समस्या के समय मेंटल लेवल यहाँ पर था तो अभी समस्या का हल करने के लिए मेंटल लेवल यहाँ करना पड़ेगा, आपको अपना मेंटल लेवल बढ़ाना पड़ेगा या उन आदमियों की सलाह लेनी पड़ेगी जिनका मेंटल लेवल आपसे ज़्यादा है। मैंने गांव में देखा है, जो गांव में अनपढ़ जनता है, ज़्यादातर मतलब पढ़े लिखे कम है, या जो उनके उनके आदर्श हैं, आदर्श कौन है उनके, जो कहीं बैंक में क्लर्क लगे हुए हैं, जो कहीं पटवारी लगे हुए हैं, जो कहीं दूसरे कहीं थोड़ा बहुत उनसे लाइफ स्टाइल अच्छा है, नॉलेज उनको सब्जेक्ट की हो या ना हो, लेकिन बच्चे की जाके समस्या उनके साथ डिस्कस करते हैं कि ये बच्चा हमारा प्रॉपर वो नहीं कर रहा, मतलब इसके नंबर नहीं अच्छे आ रहे, इसको ये नहीं कर रहा, इसको समझाओ। वो नहीं समझा सकता, जबकि इसके लिए हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। इसीलिए हमारी जो समस्या है ये सही तरीके से हल नहीं होती। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगेगा, और क्योंकि ये बच्चों के साथ भी संबंधित है और आपके साथ भी संबंधित है, हो सकता है आपकी किसी न किसी समस्या का इसमें हल हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना, आपका सवाल कमेंट बॉक्स में, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा देना। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ।